नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने सीए के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। असम में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने अमित शाह और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम दो हमारे दो सुन लो, हम सीए लागू नहीं होने देंगे। दरअसल आज राहुल गांधी असम में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए एक रैली करने पहुंचे थे। इस रैली में उन्होंने मोदी सरकार के काले कानून सीए की खुलकर मुखालफत की। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, सीए लागू नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने अपने गले में पड़े उस गमछे को भी दिखाया जिसमें सीए लिखा हुआ था और उस पर क्रॉस लगा हुआ था। उन्होंने कहा, हम दो हमारे दो, कान खोलकर सुन लो, सीए लागू नहीं होगा। इस पे लिखा है सीएए, सीएए, और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखो सबने पहन रखा है, ये देख लो, चाहे कुछ भी हो जाए, सीएए नहीं होगा। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, अच्छी तरह सुन लो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी पर असम को तोड़कर चोरी करने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने 100 और 50 के नोट और कुछ सिक्के दिखाते हुए कहा कि वे इससे बताएंगे कि मोदी सरकार देश में सीए क्यों लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि असम के मजदूरों को 167 रुपए मिलते हैं और गुजरात के कारोबारियों को चाय के बागान मिलते हैं। मोदी जानते हैं कि असम को तोड़कर ही वे वहां से चोरी कर सकते हैं। 100 रुपए का नोट है ना, ठीक है, यह है 50 रुपए का नोट, यह है कितने का, ये 10 का, और यह है 2 सिक्के 7 रुपए के, मतलब 167 रुपीस है ना, ठीक है। अब आप मुझे समझाइए, 167 रुपीस टी वर्कर को मिलता है, मिलता है ना भैया, इससे क्या खरीदा जाता है, क्या मिलता है इससे? तो टी वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारियों को टी गार्डन, चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को टी गार्डन। इसीलिए ये आसाम को बांटना चाहते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर देश को बांटने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस रोज देश को बांटने का काम कर रही है। असम बट गया तो किसी को नुकसान नहीं होगा, असम को नुकसान होगा, और अगर असम को नुकसान होगा तो देश को नुकसान होगा। असम छोटा प्रदेश नहीं है, देश के गुलदस्ते का एक सुंदर फूल है। देश को असम की जरूरत है। असम में हिंसा आएगी तो असम बटेगा और हम ये नहीं होने देंगे। जो बीजेपी और आरएसएस रोज करते हैं तो फिर बीजेपी का और आरएसएस का नुकसान नहीं होगा, नरेंद्र मोदी का नुकसान नहीं होगा, आपके चीफ मिनिस्टर का नुकसान नहीं होगा, असम का नुकसान होगा। और जितना असम का नुकसान होगा उतना हिंदुस्तान का नुकसान होगा, क्योंकि आप अपनी जगह समझो, आप कोई छोटे प्रदेश नहीं हो, आप हिंदुस्तान के गुलदस्ते के एक सुंदर फूल हो। और देश को जितनी आपको देश की, ये बात आप कभी मत भूलिए, ये बात आप कभी मत भूलिए जो मैं बोल रहा हूं, जितनी आपको देश की जरूरत है उतनी देश को आपकी जरूरत है। तो असम में हिंसा आएगी, असम बटेगा तो हिंदुस्तान को चोट पड़ेगी और असम को चोट पड़ेगी, और हम ये नहीं चाहते हैं और ये हम नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश को चार लोग चला रहे हैं,
मोदी बजट में सब कुछ बोले लेकिन किसानों को कुछ नहीं दिया। असम में जाओ और बांटो, जो सब वहां है वो ले लो, जो आपका है वो यह लेना चाहते हैं, वो जानते हैं कि असम में आग लगा दी तो वो जो चाहे ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भाषण किया लोकसभा में किसानों के बारे में, बोले कुछ नहीं, बोले सब कुछ बोल दिया मगर किसानों के बारे में बजट में कुछ नहीं। तो सिस्टम बहुत सरल है, असम जाओ, असम में आग लगाओ, असम को बांटो और जो असम का है ले लो। देंगे, अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज़ कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।